Hey! Hey! Hey, what are you doing? Hey, fool! Fool! Hey, who is here? Look, there's a fool! Fool! Hello, C.I.D. मैं सुंदरबन सोसाइटी से केशव जी बोल रहा हूँ। यहाँ एक लड़की का खून हो गया है, ए विंग 1203 में। मगर अंकल, आप इतनी रात तक जाग क्यों रहे थे? मैं तो सो रहा था, लेकिन ये तेज आवाज की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखने की कोशिश की कि वो पार्टी कहाँ चल रही थी, तब तक ये खून होते हुए मैंने देख लिया। ये लीजिए, आ गया 1203। दीपक, कोई जानता है ये दीपक कौन है? नेहा जी, अभी नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कोई जानता है या नहीं? शायद खूनी अभी भी अंदर हो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम भाग नहीं सकते, दरवाजा खोलो। अंकल, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं खूनी खून करके भाग तो नहीं गया? अरे अंकल, नेहा जी, क्या हो गया? अच्छा वही, अब तुम आ गए। तुम तो इसी फ्लैट के नीचे रहते हो ना, तुम्हें पता होगा मिस्टर दीपक कौन है। मैंने इस फ्लैट में हमेशा ताला लगा हुआ देखा है, पर हुआ क्या है? केशव अंकल ने किसी का मर्डर होते हुए देखा है। मर्डर? अरे तुम लोग बात ही करते रहोगे ना, कुछ करोगे भी? हो सकता है कि लड़की अभी भी जिंदा हो। अंकल अंकल अंकल, मैं सेक्रेटरी को बोल के दुपट्टे की चाबी मंगवाती हूँ। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, किसी की मौत और जिंदगी का सवाल है। दरवाजा तोड़ दो। अंकल ध्यान से अंकल ध्यान से। अरे बाप रे, ये तो बहुत अंदर आया है। हाँ, अरे कोई लाइट लगाओ। बिनोय, लगता है यहाँ पावर नहीं है। सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन करो। हाँ हाँ, लाइट्स ऑन कर लो प्लीज। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ अंकल, आपने कहा था आपने यहाँ पर खून होते हुए देखा, यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है लड़की का खून होते हुए। अच्छा हाँ, ठीक है युग, एक काम करो, दो तीन लोगों को लो और पूरे घर में अच्छे से जाकर छानबीन करो। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अंदर भी कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? हटिए हटिए। सेक्रेटरी साहब आ गए। ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे किसी के घर में घुस गए आप लोग? मिलन जी, अच्छा आप यहाँ आ गए, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी इस घर की डुप्लीकेट चाबी के लिए। क्यों? केशव अंकल ने यहाँ पे किसी का मर्डर होते हुए देखा। मर्डर? किसका मर्डर? किसी लड़की का। मैंने सीआईडी को भी बुला लिया। ये सब क्या है? ये खून यहाँ पे हुआ ना? जी जी सर। तो इतने सारे लोग अंदर क्या कर रहे हैं? जानते हैं आप लोगों ने क्या किया? क्राइम सीन नहीं है, सबूत मिटा सकते हैं। चलिए सब बाहर चलिए यहाँ से, किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। चलिए घर की हालत तो देख के नहीं लगता कि कोई यहाँ पे रह रहा था, काफी दिनों से बंद लग रहा है ये। हाँ सर, लगता तो नहीं कि यहाँ पे कोई जुर्म हुआ है। हाँ, केशव जी। जी, ये दीपक, ये मालिक है क्या इस फ्लैट के? जी। कहाँ है वो? सर मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, मैंने आज तक कभी इनको देखा नहीं क्योंकि ये फ्लैट हमेशा बंद रहता है सर। ठीक है किशोर जी, अब बताइए क्या देखा आपने यहाँ पर? सर हर रोज पार्टी, अब मैं देखता हूँ। अभी क्या कर रहे हो किशोर जी? आप उस आदमी या लड़की को पहचानते हैं? जी नहीं, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। और क्या याद है आपको किशोर जी? मेरा मतलब है आपको याद होगा ना लड़की ने क्या पहना था, खूनी ने क्या पहना था। सर जहाँ तक मुझे याद है कि लड़की गले में लाल कलर का कुछ चमकीला सा पहना हुआ था, रेड कलर का ड्रेस था। गले में लाल कलर का कुछ? हाँ, चमकीला। हाँ, स्कार्फ तो नहीं? हाँ जी, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो चमकीला सा ही था और गोल्ड जैसे चमक रहा था। और वो खूनी, उसने क्या पहना हुआ था? वो ब्लैक या डार्क कलर का कोई कपड़ा। और क्या देखा? मेरा मतलब है और कुछ याद आ रहा है आपको? सर जितना मुझे याद आ रहा है कि घर में एक पेंटिंग या कुछ पोस्टर नुमा था, शेर का मुंह वाला खुला हुआ। हाँ नहीं तो
किशोर जी, यहाँ पर तो ऐसे पोस्टर या पेंटिंग कुछ दिख तो नहीं रहा है या फिर था? नहीं सर, मैंने जो देखा था वही मैंने आपको बताया। कोई बात नहीं, फ्रेडी देखो जरा अच्छी तरह से, देखो कोई ब्लड के ट्रेसेस मिलते हैं, खून की छींटे? ये सर। केशव जी, आप रहते कहाँ हैं? मेरा मतलब है आपका घर कहाँ पर है? मेरा ये सर वो सामने वाले फ्लैट में मैं रहता हूँ। हाँ वो सामने वाले फ्लैट में। सर वो देखिए, सर वो देखिए, खुली खुली खुली। हाँ कोई दिखाई तो नहीं दे रहा? अरे अभी देखा मैंने, उधर भाग गया। सर हम लोग नीचे जाके देखते हैं। आजा, आइए, आइए प्लीज, साइड, आइए। सर सचमुच मैंने देखा उधर भागते हुए। बिनोय, कहीं केशव अंकल ये अटेंशन पाने के लिए तो नहीं कर रहे ना? वो अगर ऐसा ना कर रहे हो ना तो ही बेटर है। अब तो इन्होंने सीआईडी को भी बुला लिया। अगर इन लोगों को पता चला कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हम भी फंस जाएंगे। एक काम करते हैं, एसीपी सर से चल के बात करते हैं। व्हाट डू यू से? एक सेकंड सर, एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सर वो क्या है ना, केशव अंकल अकेले रहते हैं और कई बार बोर भी हो जाते हैं, तो सबका अटेंशन क्रिएट करने के लिए झूठी झूठी कहानियां भी बनाने लगते हैं। जी सर, सही कह रही हैं ये। केशव जी कहानियां बनाते हैं? जी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक खून हुआ है, केशव जी ऐसी कहानी क्यों बनाएंगे? सर कई बार झूठ बोल चुके हैं, कई बार हार्ट अटैक का झूठ, उनके घर पे चोरी का झूठ, और आज तो शायद यहाँ पे मर्डर का झूठ। पता नहीं उनकी बात पे विश्वास करें कि नहीं। सर ये बिल्कुल सही कह रही हैं, और सर एक बात और भी है, सर ये डिप्रेशन की गोलियां भी लेते हैं, तो शायद उसके साइड इफेक्ट की वजह से ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वी नेवर नो। केशव जी कहानियां बनाते हैं। सर यहाँ तो दो रास्ते, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा? अब ये काम करो, तुम यहाँ पे देखो, हवा देखता हूँ। अरे साहब आप कौन, अब इधर कहाँ जा रहे हैं? ऐसी आईडी से हूँ, तुम्हें मालूम है ना बिल्डिंग में मर्डर हुआ? मर्डर? हाँ हाँ, जब से पता चला गोंद की तरह चिपका यहीं बैठा हूँ, ना ही खुद कहीं गया ना ही किसी को जाने दिया। सर वो तो डेडेंट है सर, यही भागा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता साहब, इधर भी डेडेंट है। अगर वो आदमी अभी भी यहाँ से भागा है 2-3 मिनट पहले। कह रहा हूँ ना साहब, मुमकिन नहीं है। अरे यार क्या कर रहा है, छींक आ रही है तो वहाँ मुंह रख के मार, मेरे मुंह पे पिचकारी मार रहा है। सर मेरा यकीन कीजिए, यहाँ से आदमी तो क्या कोई मच्छर तक नहीं गया है। मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में करता हूँ। तेरी जान ले लूंगा। हमें सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखना है। ये तो कब से बंद है, इसलिए तो मैं कुर्सी डाले यहाँ बैठा हूँ। यार इसका क्या करेंगे सर, उस तरफ डेड एंड है, इस तरफ भी डेड एंड है। वो भी यहाँ से भागा नहीं, गायब कहाँ हो गया फिर? वहाँ क्या हुआ, मैं जाने कहाँ गायब हो गया सर? वो हमें भी कहीं पे खून नहीं मिला उस फ्लैट में। सर ना लाश है, ना मुजरिम है, ना ही कहीं कोई खून का निशान। सोसाइटी वालों को लगता है कि ये केशव जी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। सर ये केशव जी सच नहीं बोल रहे सर, क्योंकि अगर खूनी यहाँ से भागा होता तो वो वॉचमैन ने देखा होता। लेकिन सर केशव जी झूठ क्यों बोलेंगे? वही तो, क्यों झूठ बोलेंगे वो? समझ में नहीं आता है। कॉलोनी वाले कहते हैं कि सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए केशव जी कहानियां बनाते हैं। समझ में नहीं आता विश्वास रखेंगे भी इनकी कहानी पर या नहीं। क्या हुआ दया? We'll be right back.
वही स्कार्फ है जो उस लड़के ने पहना हुआ था। सर अब तक एक ही सबूत मिला है, ये स्कार्फ। अब अगर किसी तरह साधु के जरिए स्कार्फ पे खून ढूंढ लेते हैं तो ये तो पक्का हो जाएगा कि केशव जी सच कह रहे हैं। स्कार्फ चेक हो चुका है पूर्वी, लेकिन तुम्हारा दिल टूटने वाला क्योंकि बॉस इस स्कार्फ पर मुझे खून का जरा सा भी ट्रेस नहीं मिला है। खून नहीं है सर, मैं तो कहता हूँ ये केस बंद करके, ये खून वून कुछ हुआ ही नहीं है। सो जाते हैं। जो कह रहे थे सर कि वो केशव जी है ना, वो कहानियां बनाते हैं। और अगर इस बार उनकी कहानी सच निकली तो? सर तो वो वॉचमैन को भी खूनी दिखना चाहिए था ना, वो खूनी तो दिखाई नहीं उसे। तो फिर स्कार्फ का क्या? अगर केशव जी की कल्पना में से अगर स्कार्फ निकला है तो बिल्कुल वैसा ही स्कार्फ वहां कैसे मिला बिल्डिंग में? सर इस केस में सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब एक भी नहीं। इस केस में ना कोई क्राइम सीन है, इस केस में ना कोई लाश है, इस केस में गवाह है पर इसकी गवाही सच है या नहीं ये भी पता नहीं, और तो और एक सबूत भी है पर इसका हमें कोई फायदा नहीं है ना। अद्भुत केस। केस है या नशों का धोखा सर, इस केस में किसी ने कुछ ऐसा देखा जो शायद असल में हुआ ही नहीं था और किसी को कुछ ऐसा दिखाई नहीं जबकि वो ठीक उसके सामने था। पूर्वी एक बात बताओ, इस तरह का स्कार्फ तुम कब पहनोगी? सर ऐसा स्कार्फ पार्टीज में? पार्टीज में? दया कल रात तो उस बिल्डिंग में कई घरों में पार्टी चल रही थी। बस अरे यार मुझ पे क्यों चीख रहा है, उधर मुंह करके चीख। सॉरी सर, वो ये चीख मुझे भी लगी है, वो वॉचमैन से पिचकारी मार रहा था, मैं सवाल पूछता उससे ज्यादा मेरे मुंह पे चीख रहा था वो। एक मिनट पंकज, तुमने क्या बोला, वॉचमैन छींक रहा था? हाँ सर, बार बार छींक रहा था, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? सॉरी भाई, एक बात आई थी दिमाग में, वॉचमैन छींक रहा था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। युग, रितेश और आनंद, कल रात तुम तीनों के घरों में पार्टी थी ना? हाँ मैडम थी, पर अब घर पे पार्टी रखना भी जुर्म है क्या? इस स्कार्फ को पहचानते हो तुम लोग? हाँ मैडम, ये तो रोनिता का स्कार्फ है। हाँ, कल रात में उसने यही स्कार्फ पहन रखा था। आप दोनों रोनिता को जानते? जी हाँ, कल रात वो मेरी पार्टी में आई थी। सर वो मेरी पार्टी में भी आई थी। नंबर दे रहा जरा। सर मेरा? तुम्हारा क्यों, रोनिता? अच्छा अच्छा। नंबर तो बंद आ रहा है, दूसरा नंबर है? सर लैंडलाइन नंबर है, ये लीजिए। सर क्या बताया इन लोगों ने? सर वो स्कार्फ किसी रोनिता नाम की लड़की का है, पंकज उसके घर में फोन ट्राई कर रहा है। रोनिता, आखिरी बार कब देखा था रोनिता को तुम लोगों ने? सर मेरी पार्टी में तो रोनिता सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी, उसे आनंद की पार्टी में जाने की ज्यादा जल्दी लगी थी। अच्छा, और इस रोनिता पार्टी में अकेली आई थी या कोई और भी था उसके साथ? नहीं सर, कोई नहीं था सर। तो आनंद जी, ये रोनिता कितनी देर तक तुम्हारे पार्टी में रही? सर करीब 1:45 बजे तक, उसके बाद वो युग की पार्टी में चली गई थी। अच्छा, तो रोनिता युग की पार्टी में भी गई थी, क्या बात है, इतनी देर से चुपचाप बैठे हो, बताने का इरादा नहीं है कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं वो देखिए, हाँ वो ना
हाँ? वो ना हाँ? क्या अचानक हकलाने क्यों लगे हाँ? क्यों हकलाने? इसलिए दया, क्योंकि जिस फ्लैट में खून हुआ उस फ्लैट के बिल्कुल नीचे वाले फ्लैट में रहता है युग। केशव जी वहां पहुंचने से पहले युग ने रोनिता का खून कर दिया और अपने फ्लैट में आकर चुप गए। नहीं सर। और कल रात इसने भी काले कपड़े पहने थे जैसे खूनी ने पहने थे। नहीं देखिए क्या मेरा यकीन कीजिए, मैंने मैंने उसको मारा नहीं है। मारा नहीं है? नहीं नहीं। इतने घबराए हो क्यों तुम? हाँ क्या छुपा रहे हो बता? कुछ पूछा मैंने तुमसे? हालांकि मैंने उसे मारा नहीं है, पर मुझे लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं। कैसे? सर जब मैंने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो बाहर आकर कॉरिडोर में मैंने देखा कि What's happening? Huh? I have a party going on. You're spoiling my party. What? What is it? No, Ronita. Not mine. Just get lost. Just shut up. मैं उसे छोडूंगी नहीं। बात समझाना अनिल। मैं देखता हूँ यार, मैं देखता हूँ। सर ये रोनिता, पार्थ और अनिल भी कल रात घर नहीं लौटे और ये लोग भी रोनिता की तरफ पार्टी में थे। तो कहीं ये यार व्यार का मामला तो नहीं? आजकल के प्रेमी प्यार में मरने मारने पे उतर आते। रोनिता की माँ ने बताया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हो सकता है ये कोई एक तरफा प्यार हो। हाँ ये भी हो सकता है। वैसे पंकज अनिला के माता पिता से कुछ पता चला? अनिला और ये पार्थ रिलेशनशिप में थे सर और बहुत जल्दी इनकी शादी होने वाली थी। ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ और फिर पार्थ ने अनिला को मार डाला। लेकिन सर हम इतने यकीन के साथ ये नहीं कह सकते क्योंकि मरने वाली लड़की कौन है ये हमें पता नहीं, रोनिता या अनिला। क्योंकि दोनों ने ही लाल कपड़े पहने थे और लाल स्कार्फ। अरे बस कर यार। सर आप पंकज को समझाइए ना, ये जानबूझ के छींक रहा है मुझ पे। अरे सर मैं जानबूझ करके क्यों छींकूंगा? कोई जानबूझ करके छींक सकता है सर? अगर छींकने से केस सॉल्व हो जाए तो बुराई भी क्या है जानबूझ कर छींकने से? सर लेकिन मैं जानबूझ के नहीं छींका सर। हाँ बिल्कुल ठीक, वैसे ही जैसे वो वॉचमैन भी जानबूझ के नहीं छींका था लेकिन उसी के छींकने में इस केस का राज छुपा हुआ है। क्या कहना चाहता है तू? बताता हूँ। दया याद करो तुमने लैब में क्या कहा था। सर इस केस में किसी ने कुछ ऐसा देखा जो शायद असल में हुआ ही नहीं था और किसी को कुछ ऐसा दिखाई नहीं जबकि वो ठीक उसके सामने था। यार सड़क के देख और एक पहेली मत बुझा, वैसे ही बहुत पहेलियां हैं इस केस में। मुझे एक बात, जब कोई इंसान छींकता है तो सबसे पहले उसके साथ क्या होता है? ये तो छींकने वाले के ऊपर डिपेंड करता है सालों के तरफ। ये तो इतनी जोर से छींक रहा है मैं हवा में उड़ जाऊंगा। सालों के जब भी कोई आदमी छींकता है तो पहले उसकी आंखें बंद हो जाती है। एग्जैक्टली और इसी में छुपा है तुम्हारी इस बात का राज कि वॉचमैन ने उस आदमी को जाते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो छींक रहा था। ऐसा नहीं हो सकता साहब, मेरे छींकते समय कोई मेरे सामने से निकल जाए मुझे पता ना चले। और छींकते समय ना मेरी आंखें खुली खुली रहती हैं। ये कहाँ चले गए? मैं यहाँ हूँ। ये कब हुआ? जब आप छींक रहे थे तो आपकी आंखें बंद हो गई थी तब। अभी तुम्हें समझ में मुरली, जब तुम छींक रहे थे तो यहाँ से कोई भाग गया? मतलब मेरी वजह से मुजरिम भाग गया? सॉरी सॉरी सर। समझ में नहीं आ रहा ये खूनी यहाँ इस तरफ करने क्या आया था। वही सर मैं आपको बता रहा हूँ, उधर तो बहुत बड़ी दीवार है, उधर कोई कैसे जा सकता है?
डेड एंड है ये तो, यहाँ से तो वो भाग भी नहीं सकता। पंकज सर ये खून है? कुछ कह नहीं सकते, सूखा हुआ है। ये देखो पता तो चले खून किसका है, अनिला का या रोनिता का। पंकज जिंदा है, सर ये तो पार्थ है। What? आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। अनिल और रोनिता कहाँ? मुझे नहीं पता सर। वो दोनों कल रात से गायब है सर, मुझे नहीं पता कि दोनों कहाँ हैं। तो उन्हीं के साथ थे ना पार्टी में, क्या झगड़ा हो रहा था दोनों के बीच में? झगड़ा? हाँ झगड़ा सर। अनिला रोनिता को बोल रही थी कि उसको सर कोई राज पता चल गया है और वो रोनिता का राज सबको बता देगी सर। कल रात यूके पार्टी से तुम तीनों साथ में निकले थे ना, कहाँ गए थे? सर मैं उनके पीछे ही था पर वो दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए सर। वो दोनों गायब हो गए, अब तुम शराब पी के यहाँ पे सो गए? सर मैं सोया नहीं था सर, मैं बेहोश हो गया था। बेहोश? बेहोश कैसे हो गए? सर मेरे सिर पे बहुत नुकीली चीज ही है सर और मैं बेहोश हो गया सर। सर खून भी निकला है सर बहुत। कहीं उसके सर पे ये चाकू तो नहीं गिरा? हो सकता है, और वो खूनी सर ये चाकू ढूंढते हुए यहाँ आया होगा। अब सवाल ये है पंकज कि वो चाकू ऊपर से यहाँ गिरा कहाँ से है, और दो लड़कियां रोनिता और अनिला वो कहाँ गई? एक काम करो, इस बात को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। सर, सर बिल्डिंग का वॉचमैन बता रहा था कि कल रात से लेके अब तक ना ही कोई गाड़ी अंदर से बाहर आई है और ना ही कोई गाड़ी बाहर से अंदर गई है। सर पूरा घर छान मारा, ना तो लाश मिली है और ना ही कहीं खून मिला है। अरे लाश गायब कहाँ हो गई? एक काम करो, इस सोसाइटी का एक एक फ्लैट चेक करो, इस कंपाउंड का एक एक कोना, अगर वो लाश इस कंपाउंड से बाहर नहीं गई है तो यहाँ अंदर ही कहीं होनी चाहिए। देखो जरा जल्दी। कैसे हो सकता है? हमने उस बिल्डिंग को पूरी तरह से छान मारा, अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से आजू बाजू में भी, फिर भी लाश कहीं पर भी नहीं। सर ये पहला ऐसा केस है जहाँ पे ना तो लाश है ना क्राइम सीन है, और तो सर हमें ये भी नहीं पता कि खून किसका हुआ है, बस दे देकर वो एक मर्डर वेपन मिला है चाकू। और सर लाश ढूंढे भी तो कहा, लाश को तो बिल्डिंग के अंदर ही होना चाहिए था। लाश बिल्डिंग के अंदर नहीं है, बिल्डिंग के बाहर नहीं गई तो फिर? और दो लड़कियां भी गायब है, अब एक की मौत हुई पर दूसरी लड़की कहां गई? आइए केशव जी,
नमस्ते एसीपी साहब। अरे आइए केशव जी, आइए, आप ही का इंतजार कर रहा है। बताइए केशव जी, इस केस में हमें आपकी मदद चाहिए। बस इतना ही याद है मुझे। किशोर जी, शेर के मुंह के अंदर कुछ? हाँ सर, शेर के मुंह के बीच में कुछ नंबर्स था, लेकिन सबसे पहले एक आधा चांद जैसा था। एक मिनट, आधा चांद ये लो, ठीक है? उसके बाद ये 3 हो सकता है या 8 भी हो सकता है सर। 3 या 8? 3 या 4 जीरो है। जीरो 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 और लास्ट में 1 था। 1, ये ऐसे देखा आपने? हाँ ऐसे ही था। ये क्या हो सकता है? ये आधा चांद, 2 या 8 जो भी है, 801। दया, इस चांद को ऐसे रखते 3 या 8 जो है ये मिटा देते हैं। कुछ समझ में आया दया? पकड़ मिरर लिख रहा सर। हाँ आईना, आईने को यहां लगा इस साइड में। टेन थाउजेंड बीसी शेर के मुंह में, ये तो पोस्टर है। मगर सर, केशव जी को ये आंकड़े उल्टे कैसे दिखे? पेशेंस, सब समझ जाओगे। ये खून हुआ कहां पर है? हेलो, अरे कौन है? खून है हमारे सोसाइटी में, और एक खून कोई है। क्या हुआ? खून हो गया चिरू साहब, खून, और एक लड़के का खून हो गया। आज कहां पर? वो सामने वाले फ्लैट में, 1203 में। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात को खून हुआ था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात को उस लड़की को चाकू मारा था। अब जाइए इसी पे, अब जल्दी जाइए, उसे पकड़िए खूनी को। लाइट ऑन करो। क्या ये तो सीआईडी ऑफिसर्स हैं। केशव जी, ये है एक छोटा सा नाटक। नाटक? जी हाँ, नाटक। ये पता लगाने के लिए कि खून कहाँ पर हुआ था। मैंने आपको बताया ना कि मैंने अभी अभी देखा, बिल्कुल उसी फ्लैट में। केशव जी, एक बात कहूँ? बताइए। जो खून हुआ है वो खून इस सामने वाले फ्लैट में नहीं हुआ, बल्कि खून हुआ है आपके बिल्कुल बगल वाले फ्लैट में। बगल वाले फ्लैट में क्या हो रहा है ये मैं कैसे देख सकता हूँ? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने जो देखा उस होते हुए खून का रिफ्लेक्शन था, उस फ्लैट के कांच में रिफ्लेक्शन था, प्रतिबिंब था वो। लेकिन एसीपी साहब, बगल वाले फ्लैट तो बिल्कुल खाली है। पता है, लेकिन कोई तो गुस्सा है उस फ्लैट में, और उसी ने उस जुर्म को अंजाम दिया है। सर,
माना कि खून यहीं पे हुआ था, लेकिन मैंने जो वो पोस्टर देखा था, वो शेर वाला, वो तो यहीं पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। केशव जी, पोस्टर था इसी घर में, पोस्टर था शेर वाला, ये देखो यहाँ पर था, ये चौकट दिख रही है, ये पैच चौकट वाला जी, पोस्टर यहीं पर था। शायद खूनी उस पोस्टर को निकाल कर ले गया। सर, हाँ, ये देखिए खून का निशान। हाँ, खूनी ने निशान को साफ करने की कोशिश की है, पर ये दाग रह गया। किशोर जी, जी मालिक कौन है इस फ्लैट का? सर, नाम तो सुना है, अशोक करके। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, साल में एक दो बार आते हैं, और चाबी भी उन्होंने किसी को नहीं दिया। अच्छा सर, खून के अलावा और कोई निशान तो है नहीं। खूनी ने अच्छी से इस फ्लैट का ख्याल रखा है ताकि हमारे लिए कहीं कोई सुराग ना छूट जाए। सर, फ्लैट के अंदर की सफाई तो की है उसने, फ्लैट के बाहर की सफाई तो नहीं की होगी। हाँ, तो खूनी इस फ्लैट में दो तीन बार तो आया ही होगा, एक बार खून करने के लिए, एक बार लाश को ठिकाने लगाने के लिए, और एक बार साफ सफाई के लिए। तो आते जाते वक्त सर, हो सकता है बाहर कोई सुराग छोड़ दिया हो। हाँ, वही तो, इस डोर मैट में। रेत और सीमेंट? सर, बिल्डिंग में तो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है, फिर रेत और सीमेंट यहाँ कैसे? सीमेंट और रेत तो मैंने सर बिल्डिंग के छत पे देखे। सर, शायद यहाँ पर, ये देखिए सर, तो फ्लैट के बाहर सीमेंट और रेत शायद यहाँ से आए, मतलब खूनी यहाँ छत पे आया था। क्यों सर, ये टेरेस पे आने की क्या जरूरत पड़ी? खूनी हवा खाने के लिए नहीं आएगा टेरेस, कोई खास वजह होगी ना फ्रेडी? क्या हो सकता है? दीवार खोखली है सर, लकड़ी की है। हाँ, और इसे पेंट मारा है ताकि ये बाकी के दीवार के साथ मैच हो सके। सर, हाँ, ये देखिए ये कैप, लगता है ये दरवाजा बना है। बिल्कुल अलमारी जैसा। सर, रौनिता है। माय गॉड, मर चुकी है सर। अगर ये रौनिता की लाश यहां पर है तो फिर अनीला कहां गायब हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबके पीछे अनीला? सर, पार्टी में झगड़े के बाद अनीला रौनिता के पीछे गई थी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जो कोई भी है, जिसने भी ये अलमारी जैसा कंपार्टमेंट बनाया है, बड़ी लंबी प्लानिंग की है। ऐसा कंपार्टमेंट एक दिन में नहीं बनता, हफ्ते तो लगे ही होंगे। सर, अगर ये पता चल जाए कि वो कारीगर कौन है जिसने ये खास कंपार्टमेंट बनाया, तो खूनी तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा सर। और फिर छत पे काम करना है तो सोसाइटी की परमिशन लगती है, वॉचमैन को भी पता होगा। वॉचमैन से पता करते हैं कौन ये जिसने ये अलमारी वाला कंपार्टमेंट बनाया। जी सर, बताइए आपने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया? ये बताने के लिए कि केशव जी सही बता रहे थे, वाकई इस बिल्डिंग में खून हुआ है, रोनिता का खून। और इतना वक्त हमें इसलिए लगा क्योंकि हम लोग सुराग और सबूत गलत फ्लैट में ढूंढ रहे थे, क्योंकि खून किसी दूसरे ही फ्लैट में हुआ था। पर हमारी इसी गलत फहमी का फायदा खूनी ने उठाया, जब आप सब लोग इस बिल्डिंग के उस फ्लैट में घुसे ये देखने के लिए कि खून किसका हुआ है, बस उसी वक्त का फायदा खूनी ने उठाया, वो
किशोर जी के बगल वाले फ्लैट में घुसा, रोनिता की लाश उसने बाहर निकाली, कंबल में लपेट दी और ले गया उसे बिल्डिंग के छत पर। देखा, मैंने सही कहा था। लाश को ऊपर छत पे एकदम खास जगह पे छुपा दी, जिसे खूनी ने काफी लंबी प्लानिंग के बाद खास तौर से बनवाया था। मगर कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई गलती तो कर बैठता ही है। जिस हथियार से उसने खून किया था वो चाकू उसके हाथ से फिसल गया और नीचे गिर गया। और वो नीचे भी आया था उस हथियार को ढूंढने के लिए, जब केशव जी ने उसे भागते हुए देखा था। सर वो देखिए, देखो मैंने कहा था ना। मगर क्या करेगा बेचारा, चाकू नहीं मिला, अंधेरा जो था। फिर उसने क्या किया, आकर आप लोगों में शामिल हो गया। मतलब खूनी हम में से कोई एक है? हाँ, मगर वो दोबारा उस फ्लैट में गया और फ्लैट को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया। हमें पता नहीं था कि खून किसका हुआ था, रोनिता का या अनिला का, और क्यों हुआ। फिर हमें पता चला कि खून रोनिता का हुआ जब हमें अनिला मिली। अनिला? हाँ अनिला, पार्क की शराब की बुरी लत से तंग आकर ये अपनी नानी के घर चली गई थी। अनिला, बताओ इन सबको, रोनिता का खून क्यों हुआ था? रोनिता एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती थी और मैंने उसे उस आदमी को धमकी देते हुए सुना कि या तो वो रोनिता से शादी कर ले या रोनिता उसकी बीबी को सब सच बता देगी। अनिला उस शादीशुदा आदमी को जानती नहीं थी, खूनी वही शादीशुदा आदमी है। और वो आदमी कौन है वो हमें बताएगा ये रघु। रघु, अब आप सब लोग ये पूछोगे कि ये रघु कौन है। रघु वो कलाकार है जिसने इस बिल्डिंग के छत पे वो खास जगह बनाई जहां पे पुनी ने रोनिता की लाश को छुपा दी। और अब रघु हमें बताएगा कि किसके कहने पर उसने वो कंपार्टमेंट बनाया छत पर। बताओ जल्दी, बताता हूं। सर, सर, इनके कहने पर सर, बिल्डिंग की सेक्रेटरी मिलन जी आगे मत आना, मुझे छोड़ दो। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, सबके सामने मेरी पोल खोल दी। आज मेरी बीवी होती तो सबसे पहले वो मुझे मार देती। तुमने जुर्म किया है और उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, कड़ी से कड़ी सजा। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? खून करना मेरी मजबूरी थी, वो लड़की रोनिता मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, सबको सब कुछ मेरे बारे में बताने वाली थी। मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। आज तुम जाके अपनी बीवी को सच्चाई बताओगे या फिर मैं जाके उन्हें सारी सच्चाई बताऊं? देखो रोनिता, तुम अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं शादीशुदा हूं, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और मैं ऐसा नहीं कर सकता। जाओ, तुम जो चाहे कर लो, जाओ। मिला, तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया है, एक साल पूरा निकाल दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सब कुछ मिला। क्या तुम नहीं जानती थी
हाँ, तुम भी वही चाहती थी जो मैं चाहता था। तुम रुको, मैं तुम्हारी बीवी को सारी सच्चाई बता के रहूं। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। करूंगी मैं विलेन। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। ये सब कुछ उस स्कार्फ की वजह से हुआ। ना मेरे हाथ में से वो चाकू गिरता, ना मैं वो ढूंढने जाता, ना वो स्कार्फ गिरता और ना आप लोग मुझे पकड़ पाते। मुझे दुनिया के किसी भी कोने में जाके छुप जाए, हमसे बच नहीं सकता। वो तो तब हो सकता है ना जब आप मुझे जिंदा पकड़ पाओगे। देखो मैं कह रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। I'll jump from here. देखो आगे बताना, I'll jump from here. क्या बताना, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, सब आपके ऊपर आएगा, मैं बता रहा हूँ। कूद जाओगे? हाँ कूद सकते हो। हाँ तो फिर चलो। आसमान से गिरा और फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।